जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कौन कौन से रूलर हुए, क्या क्या काम करे, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, एग्जाम में कहाँ से सवाल पूछा जा सकता था, कहाँ से सवाल नहीं पूछा जा सकता था, सब चीज़ें हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने सब चीज़ें विस्तार पूर्वक पढ़ी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में हम कैसे पढ़ेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इस समय। ठीक है, मतलब समाज की कैसी व्यवस्था थी, जो स्त्रियां थी उनकी कैसी दशा थी, जो बच्चे थे उनकी कैसी दशा थी, जो मेन सवाल बनते हैं ऐसे उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सी चीजें हम देखेंगे इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में, किस तरीके से प्रशासन चलता था, कैसे नहीं चलता था, जो अधिकारी कर को एक इकट्ठा करता था उसको क्या कहा जाता था, जो सैनिक संगठन था उसको क्या कहा जाता था, सैनिकों को क्या कहा जाता था, बहुत सी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सती प्रथा थी नहीं थी इस समय, स्त्रियों की दशा कैसी थी, पढ़ने की स्वतंत्रता थी या नहीं थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि किस तरह की व्यवस्था रही, कैसी व्यवस्था नहीं रही। ठीक है, आगे की बात को हम समझते हैं। ठीक है, और बात कुछ इस तरीके की है, देखो इतिहास में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं हुआ कि इतिहास में जो लोगों ने देखा क्या लिखा, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे किसी ने बात कही, इतिहास ये नहीं है कि क्या हुआ, इतिहास ये है कि लोगों ने इतिहास के बारे में क्या लिखा। आई बात सुन, एक शख्स था बहुत फेमस जिसने ये बात कही थी और ये कहीं ना कहीं सच भी नजर आती है। ठीक है, इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, जो सोर्स हैं, जो किताबें लिखी गई उनके द्वारा पता चलता है। ठीक है, उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में भी हमें कैसे पता चलेगा, इससे में जो यात्री आए उन्होंने किताबें लिखी, जो रूलर रहे उन्होंने किताबें लिखी, उसके जरिए हमें पता चलेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। ठीक है, जैसे जानकारी जो मिलती है हमें प्रशासनिक व्यवस्था की, कृष्ण देव राय की रचना थी अमुक्त माल्यद। ठीक है, ये किसकी रचना थी, कृष्ण देव राय की रचना थी, मतलब कृष्ण देव राय ने ये किताब लिखी थी अमुक्त नामक किताब। किसने लिखी, कृष्ण देव राय ने लिखी, कृष्ण देव राय ने लिखी, ये बात पता होनी चाहिए। ये किताब किसने लिखी, कृष्ण देव राय ने लिखी, क्या नाम था, अमुक्त माल्यद। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इससे हमें जानकारी मिलती है विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बात हुई क्लियर। दूसरी बात हम देखते हैं अब्दुल रज्जाक, ठीक है, इसने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था मलता ए शाहीन। इस किताब से हमें जानकारी मिलती है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बात हुई क्लियर, हमें जानकारी कहाँ से मिली विजयनगर साम्राज्य के बारे में, सबसे पहले हमें जानकारी मिली कृष्ण देव राय की एक रचना थी अमुक्त के नाम से, उससे हमें जानकारी मिली। अब्दुल रजाक की एक किताब थी उससे हमें जानकारी मिली। ठीक है, जानकारी मिली, और जानकारी क्या जानकारी मिली हमें, हमें पता चला कि जो इस समय के राजा थे भाई, दो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। लेकिन जब वो वापिस दक्षिण की तरफ गए, अपने इलाके में गए, जब उन्होंने देखा कि हाँ जो ये तुगलक वंश है कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने वापिस अपने गुरु से मिले और किस में प्रवेश किया, हिंदू धर्म में वापिस से प्रवेश किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिलेगी, तो क्या हुआ कि जो भी राज्य अभिषेक की चीजें हुई, जैसे अब जो राजा बनेगा क्या होगा, उसका राज्य अभिषेक होगा, और राज्य अभिषेक के समय यज्ञ करने की प्रथा हमें दिखाई दी। ठीक है, यज्ञ की हमें प्रथा दिखाई दी,
विजयनगर साम्राज्य के जो शासक रहे, जब उन्होंने राज्य अभिषेक कराया तो उन्होंने यज्ञ भी कराया, और यज्ञ एक विशेष यज्ञ कराया जिसका नाम था पट्टाभिषेक, पटट्टा अभिषेक। ठीक है, तो हमें किसकी जानकारी मिलती है? यज्ञ की जानकारी मिलती है, राज्य अभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है, पट्टा अभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये बात भी क्लियर। अगली बात जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि संरचना कैसी है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि संरचना कैसी है। जैसे आज के समय में हम क्या देखेंगे, देश, राज्य, राज्य के अंदर आ जाओगे आप क्या देखोगे, प्रांत, या प्रांत मंडल, जिला, तहसील, गांव, गली, घर, यही चीजें तो देखने मिलेंगी। तो सबसे छोटी इकाई आज के समय में भी क्या है, जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए शहर है, जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए गांव है, सबसे छोटी इकाई यही हुई। ठीक है, तो उसी तरीके से इस समय भी साम्राज्य की संरचना कैसी थी, ये लिखना है सब चीजें, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएंगी और आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो दिक्कत की बात है। सबसे बड़ी इकाई राज्य, जिसको क्या कहा गया, देश। उससे छोटी इकाई प्रांत, जिसको क्या कहा गया, मंडल। उससे छोटी इकाई क्या होती है, जिला, जिसको क्या बोलेगा, कोट्टम। तहसील, तहसील को क्या बोला गया, नाडू। गांव, गांव को क्या बोला गया, उर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से क्या थी, क्या थी, उर। उर का मतलब गांव, सबसे छोटी इकाई गांव, जिसको क्या बोला गया, उर। आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में ये बात पूछी गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, अगर नहीं पता है तो दिक्कत आती है। वही अगला देखते हैं, कृष्ण देवराज के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 6। प्रांतों मतलब मंडलों की संख्या कितनी थी, 6। कृष्ण देवराय के समय मंडलों की संख्या कितनी थी, 6। मंडलों की संख्या कितनी थी, 6। मंडल जो थे उनकी संख्या कितनी थी, 6। बात हुई क्लियर, कितनी संख्या थी, 6। ठीक है भाई, हमें जिक्र मिलता है राज परिषद और मंत्री परिषद का, राज परिषद और मंत्री परिषद का हमें जिक्र मिलता है। राज परिषद का मतलब हुआ विशाल संगठन। ठीक है, विशाल संगठन मतलब जो राज परिषद थी उसमें सभी लोगों को शामिल किया गया था, सभी मतलब जो प्रमुख लोग थे, जैसे गीतकार हुआ, नायक हुआ, सामंत व्यापारी, धर्माचार्य, और भी जो बड़े बड़े चीजें हुई, जो बड़े बड़े पद हुए, विशेष लोग हुए, व्यापारी वर्ग हुआ, उनको शामिल कर लिया गया किसमें, राज परिषद में उनको शामिल किया गया। ठीक है, ये एक विशाल संगठन था, सबसे प्रमुख संगठन कौन सा कहलाएगा, राज परिषद, क्योंकि इसमें सब हर कोई ही शामिल था। इसके बाद आता है मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख होता था प्रधानी या महाप्रधानी। प्रमुख कौन है, प्रधानी या महाप्रधानी। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, इसमें जो ये प्रांत वाले इलाके हैं इसके जो हेड होते थे वो इसमें शामिल होते थे। बात आई क्लियर, ठीक है, ठीक है। और कृष्ण देवराय के समय ही हमें मिलती है नायंबर व्यवस्था, नायंबर व्यवस्था, नायंबर व्यवस्था। ये व्यवस्था कैसी थी, इस व्यवस्था के तहत ये बात हुई कि जो भी जैसे कोई सैनिक है, कोई बात है, जैसे कोई अधिकारी है, ठीक है, अधिकारियों को क्या चाहिए, उनको सैलरी दी जाती है, जैसे आज के समय में क्या दिया जाता है, सैलरी दी जाती है 1 लाख, 2 लाख, जो भी उनकी सैलरी होती है, अधिकारी होते हैं उनकी सैलरी दी जाती है। लेकिन एक व्यवस्था जोड़ी गई जिसको बोले गए नायंबर व्यवस्था, और ये अधिकारी को नकद वेतन की जगह क्या दिया देते थे, भूमि दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, नगद वेतन की जगह की क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी, भूमि पर उनको अधिकार दे दिया जाता था कि ये भूमि तुम्हारी हुई। भूमि देने का क्या मतलब हुआ, भाई देखो अगर आप किसी को भूमि दे रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, वो भूमि का मालिक हो गया। अगर राजा बदला, कोई विदेशी आक्रमण हुआ, राजा बदला गया, तो आपकी भूमि गई, गई तो आप क्या करोगे, अपनी जी जान से रक्षा करोगे, क्योंकि अब आपका ही मुनाफा जुड़ा हुआ है। तो बस यही यही बात, छोटी चीजें हैं मगर थोड़ा छोटे, कहते हैं ना छोटी छोटी चीजें भी बड़ा चेंज ले आती है, वही हिसाब है ना। नायंबर व्यवस्था, इसमें अधिकारी को नगद वेतन की जगह क्या देना शुरू कर दिया, भूमि देना शुरू कर दिया। ठीक, बात हुई क्लियर, इतनी बात हुई क्लियर। सैनिकों को दी गई भूमि को क्या बोला गया, अमर भूमि। सैनिकों को जो भूमि दी जाती थी उसको क्या बोला गया, अमर भूमि। सैनिकों को जो भूमि दी जाती थी उनको बोला गया अमर भूमि, और इसी को, और जो इस भूमि को ग्रहण करता था उसको बोला गया अमर नायक। जो इस भूमि को ग्रहण करता था उसको बोला गया अमर नायक। अमर नायक से क्या तात्पर्य है,
ऐसे व्यक्ति जिसको, ऐसे सैनिक जिनको राज्य द्वारा भूमि दी जाए, दी गई हो। ठीक है, अमर भूमि का क्या मतलब हुआ कि सैनिकों को दी गई भूमि, उनके कार्य के बदले जो उनको भूमि दी गई है उसको बोला गया अमर भूमि। ठीक है, और कौन से साम्राज्य में दी जाती थी? ये विजयनगर साम्राज्य में दी जाती थी। जैसे हमें दिल्ली सल्तनत में क्या एकता व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है, सामंत व्यवस्था देखने को मिलती है, तो इस तरीके की चीजें थी। बात हुई क्लियर? नवंबर व्यवस्था थी जिसमें अधिकारियों को पैसा नगद नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या दी दिया जाती थी? भूमि दी जाती थी, और सैनिकों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाई? अमर भूमि कहलाई, अमर नायक। और जो उस भूमि को ग्रहण करते थे, जो उस भूमि को लेते थे, उनको कहा गया अमर नायक। बात हुई क्लियर? अगली बात देखते हैं। युद्ध के दौरान जो सैनिक मर जाते थे, ठीक है, जो अपना शौर्य प्रदर्शन करते थे, कहा जाए तो अपने राजा के लिए वफादार होते थे, जब वो युद्ध के समय वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनके परिवार को दी जाने वाली भूमि को क्या बोला गया? रथ कोड़गे, रथ कोड़गे, रथ कोड़गे, रथ कोड़गे। मतलब जो सैनिक है जो राज्य के लिए लड़े, और अगर वो वीरगति को प्राप्त हुए तो उनको, उनके परिवार को भूमि दी जाती थी, ताकि उनका परिवार का भी गुजारा उनके जाने के बाद भी चलता रहे। ठीक है, तो उस भूमि को बोला जाता था रतत कोड़गे, रतत कोड़गे, रतत कोड़गे। ठीक है, और कुछ भूमि मंदिर वगैरह को भी दान दी जाती थी, जो मंदिर वगैरह को भूमि दान दी जाती थी उसको बोला गया देवभूमि, देवभूमि। जो मंदिर वगैरह को दान की गई भूमि थी उसको बोला गया देवभूमि। ठीक है, और सैन्य विभाग को क्या बोला जाता था? कदाचार। सैन्य विभाग को क्या बोला जाता था? कदाचार। सैन्य विभाग को क्या बोला बोला जाता था विजयनगर साम्राज्य में? कदाचार। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, अब भाई हम अब खड़े, हम कैसे पता लगाएं? उस समय के कुछ स्रोत रहे होंगे, कुछ किताबें रही होंगी जिनके जरिए हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें जिक्र मिलता है कृष्ण देव राय की किताब है अमुक्त माल्यद, उससे हमें पता चलता है। दूसरी अब्दुल रजाक की किताब, उससे हमें पता चलता है। और भी किताब है, उनसे भी हमें पता चलता है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। उसी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें पता चलता है राज्याभिषेक के समय एक विशेष यज्ञ होता था। ठीक, विशेष यज्ञ होता था। फिर हमें पता चला साम्राज्य की संरचना कैसी थी। राज्य मतलब देश, राज्य को देश कहता था, प्रांत मतलब मंडल, जिला को बोला जाता था कोट्टम, तहसील को बोला जाता था नाडू, और गांव को बोला जाता था उर। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में उर। ठीक है, कृष्ण देव राय के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अब दो तरह की हमें संगठन देखने को मिलते हैं, पहले का नाम है राज परिषद, दूसरा का नाम है मंत्री परिषद। राज परिषद का मतलब हुआ ये एक बहुत बड़ा संगठन था, इसमें सभी लोग, प्रमुख लोग सभी शामिल थे। ठीक है, प्रांतपति शामिल थे, नायक, सामंत व्यापारी, धर्माचार्य और भी व्यापारी वगैरह सब शामिल थे इसमें। ठीक, उनको मिला के संगठन बनाया गया जिसको बोला गया विशाल संगठन। दूसरा है मंत्री परिषद, प्रमुख प्रधानी या महाप्रधानी होता था इसके मंत्री परिषद का, ठीक है, जो प्रांत के लोग होते थे वो उसमें शामिल होते थे। अगला था नवंबर व्यवस्था, इसमें इस व्यवस्था के तहत जो भी अधिकारी वगैरह होते थे उनको नगद पैसे न देके भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, भूमि दे दी जाती थी, उस पर हक दे दिया जाता था। उसी तरीके सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोला गया? अमर भूमि बोला गया। जो इस भूमि को ग्रहण करते थे उनको बोला गया अमर नायक। युद्ध के दौरान जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उनको भूमि दी जाती थी, जिसको बोला जाता था रतत कोड़गे, रतत कोड़गे। ठीक है, सैन्य विभाग को बोला गया कदाचार, और जो भूमि मंदिरों को दान में मिलती थी उसको बोला गया देव भूमि। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। बात हुई क्लियर? इस समय विजयनगर में जो प्रशासनिक नीतियां थी उसमें हमें और भी चीज पता चलती है। तो पहली चीज हमने देखी क्या कि प्रशासन में किस तरीके से नीतियां बांट रखी थी। फिर हमने देखा क्या सैनिकों का क्या बिहेवियर था, कैसा था, कैसे नहीं, ये व्यवस्था देखी। अब देखते हैं कि जो इनकम की बात है, पैसे की बात। ठीक है, इस समय जो राज्य को सबसे अधिक आमदनी होती थी वो होती थी कृषि से। ठीक है, जो आय का प्रमुख स्रोत था वो थी कृषि। कृषि पर कर लगाया जाता था कि जिससे पैसा राज्य के पास आए। ठीक है, आए तो मतलब
भू राजस्व की बात, भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब उससे आने वाला पैसा, ठीक है। भू राजस्व, भू राजस्व को क्या कहा जाता था, शिष्ट, जो भी कर लगाया जाता था उससे जो पैसा आता था, भूमि से जो पैसा आ रहा है उसको बोला जाता था शिष्ट। बात हुई क्लियर? भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था और कर वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहा जाता था, आथवन कहा जाता था, ठीक है। भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था और कर वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहा जाता था, आथवन कहा जाता था, ये बात हुई क्लियर? भू राजस्व को क्या कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था और कर वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहा जाता था, बात हुई क्लियर? ठीक है। और भाई देखो, ऐसा नहीं है कि हर तरह की भूमि पर कर लगा दिया जाए, जिस पर किसानी ही नहीं हो रही, जिस पर कुछ उग ही नहीं रहा, उस पर कर लगा के फायदा क्या, ठीक है। तो जो भूमि थी उसको चार भागों में बांट रखा था, ठीक है। पहली सिंचित भूमि, दूसरी बागानी भूमि, तीसरी ऊसर भूमि, चौथी जंगली भूमि। पहली सिंचित भूमि, सिंचित भूमि होती थी सबसे उपजाऊ भूमि। जैसे देखो लड़ाई किसके लिए चल रही थी, दोआब वाले क्षेत्र के लिए, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक दोआब वाला क्षेत्र पड़ता था जिसको रायचूर का दोआब बोला जाता था, ये वाली भूमि थी। अब ये बताओ क्या इसको सिंचाई के लिए नहर निकालने की जरूरत है क्या यहाँ, नहीं है। भूमि कैसी है, उपजाऊ है, किसी कैसी होगी, अच्छी होगी, कर कितना भी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो ऐसी भूमि को बोला जाता था सिंचित भूमि, सिंचित भूमि। सिंचित भूमि क्या थी, सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, जिस वजह से इस पे सबसे अधिक कर था, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ऊपर का डंडा मतलब कर ज्यादा था, देख लो कितना कर सर्वाधिक किसको ऊपर था, सिंचित भूमि क्यों, क्या इसको सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत थी, नहीं थी। बात हुई क्लियर? सबसे अधिक उपजाऊ सिंचित भूमि। इसके बाद थी बगानी, बगानी भूमि। बगानी भूमि ऐसी थी कि जिसका यूज किया जाता था मसाले वगैरह उगाने के लिए यूज किया जाता था, यहाँ पे कर थोड़ा कम था, ठीक है, कर थोड़ा कम था कंपैरिजन टू सिंचित भूमि, ठीक है। सिंचित भूमि के की तुलना में बगानी जो भूमि थी उस पर कर कम था, ठीक है। इस पर बगानी फसल उगाई जाती थी, मसाला वगैरह उगाया जाता था, इस पर कर थोड़ा कम था। अगला है ऊसर भूमि। ऊसर भूमि क्या ऐसी भूमि थी कि देखो इन दोआब वाले क्षेत्र में तो थी नहीं, ये कहीं दूर जाके थी, सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत थी, यहाँ हर चीज की जरूरत थी। दूसरा, यहाँ पे हर साल खेती नहीं की जा सकती थी, ठीक है। एक साल खेती की फिर भूमि छोड़ दी, एक साल खेती की फिर कुछ समय के लिए भूमि छोड़ दी, इस तरीके से किसानी की जाती थी, जिस वजह से यहाँ पे कर बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। एक डंडा देख रहे हो कर का, कर बहुत ज्यादा कम था, बात हुई क्लियर। ऊसर भूमि मतलब ऐसी भूमि जहां पे प्रति वर्ष किसानी ना हो। तो विजयनगर साम्राज्य में हमें मिलता है कि ऊसर भूमि जो थी जिस पर कर कैसा था, कम था। अगली थी जन या वन भूमि, ठीक है। इस पर अधिकतर वनों का विस्तार होता था, ठीक है, वन ही वन होते थे और ये फसल उगाने के माध्यम से अच्छी नहीं थी, और यहाँ पे कृषि तो ना के बराबर ही होती थी, इस वजह से कर भी इस पर नहीं लगता। बात हुई क्लियर? बात हुई क्लियर, ठीक है। तो हमने पढ़ी चार तरह की भूमि, पहली सिंचित भूमि जो सबसे अधिक उपजाऊ थी, सबसे अधिक कर, दूसरा बगानी भूमि कर थोड़ा कम, तीसरा ऊसर भूमि हर साल किसानी नहीं होगी तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, जंगली वन भूमि कृषि ना के बराबर होती थी तो टैक्स भी है ही नहीं। अगला था, अगली बातें देखी जाती हैं कि भाई कर वगैरह है सब चीज ठीक है, लेकिन कर क्या दिया जाता था, क्या रुपया चलता था, क्या 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 सिक्का चलता था। जो मुद्रा चलती थी मुद्रा का नाम था पगोड़ा, मुद्रा का नाम था पगोड़ा। एग्जाम में पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सी मुद्रा का प्रचलन था, ऑप्शन ए पगोड़ा, ऑप्शन बी कुछ और दे देगा, ऑप्शन सी कुछ और दे देगा, ऑप्शन डी कुछ और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के समय जो मुद्रा थी उसका कौन सी मुद्रा का प्रचलन था, पगोड़ा मुद्रा का प्रचलन था, ठीक है। भाई दासों की खरीद बिक्री के लिए वेश्वाग बाजार नामक बाजार लगता था, इसमें जो दास थे उनको खरीदा जाता था और उनको बेचा जाता था। दास मतलब गुलाम, गुलामों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, वेश्वाग बाजार लगता था, ठीक है। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं कि हाँ इस समय सती प्रथा भी मौजूद थी। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, उनको पढ़ने का भी स्वतंत्रता थी, लिखने की भी स्वतंत्रता थी, ठीक है। बात हुई क्लियर?
तो यह था हमने जो पढ़ी विजयनगर साम्राज्य के बारे में चीजें, और यहां से सवाल में पूछा जा सकता है, देखो एक इस चीज को याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है, मुद्रा कौन सी चली थी? पगोड़ा मुद्रा चली थी। इसके समय में चली थी? विजयनगर साम्राज्य के समय में चली थी। बात हुई क्लियर। अब इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि कौन कौन से यात्री जो थे, वो विदेशी यात्री जो इस समय आए, ठीक है, किस राजा के समय में आए, किस समय आए, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लिखो। तो अब हम देखते हैं जो विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में, ठीक है, कौन से देश से आए, किस राजा के समय में आए, किस शासक के समय में आए, ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मिलान के लिए पूछा जा सकता है, ऑप्शन के बेस पे पूछा जा सकता है, कई तरीके से चीज को पूछा जा सकता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे निकोलो डी कांटी, किसके, इटली से ये था शख्स जो आया था इंडिया, और किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम के समय में आया था, ये टेबल बनानी है आपको। ठीक है, अगला है अब्दुल रजाक, ये फारस से आया था और कहाँ आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। अगला था बारथोमा, ये इटली से आया था और वीर नरसिंह के समय में आया था। अगला था बारबोसा, ये पुर्तगाली था और ये आया था कृष्ण देवराय के समय में आया था। अगला था डोमिगो पाइस, ये इटली का था और ये भी किसके समय में आया था? कृष्ण देवराय के समय में आया था। नुनिज पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली था, अच्युत देव राय के समय में आया था। ठीक है, तो ये कुछ विदेशी थे जो किस समय आए थे, इन शासकों के समय में आए थे। जैसे निकोलो डे कांटी किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था। अगला है कौन सा? अब्दुल रजाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। अगला है बारथोमा इटली, ये किसके समय में आया था? वीर नरसिंह के समय में आया था। बारबोसा ये किसके समय में आया था? कृष्ण देवराय के समय में आया था। डोमिगो पाइस किसके, इटली का था, ये किसके समय में आया था? कृष्ण देवराय के समय में आया था। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये चीजें जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। बात हुई क्लियर? तो इस टेबल को बनाओ और ये सब चीजें लिखो। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, कि बहमनी साम्राज्य क्या था, कौन कौन से शासक थे, क्या था क्या नहीं था, बहुत सी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं। आशा करता हूँ सब चीजें समझ में आई होंगी।